Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we will do the common errors. So, आज की वीडियो में हम incorrect और correct sentences में जो false हैं, error हैं, उनको क्या करेंगे? Find करेंगे. So, let's start the video. Our village folks are mostly illiterate, अशिक्षित. ठीक है, विलेज गांव फोक्स पीपल होते हैं. ठीक है, क्या है? मोस्टली अशिक्षित हैं. इस सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा कि मिस्टेक है. ये जो फोक्स है ना, फोक्स, ये कभी भी फोक्स नहीं होता, क्योंकि जो फोक है ये ऑलरेडी प्लूरल है और इसके साथ कभी भी क्या नहीं आता, एस नहीं आता. तो इसका करेक्ट वर्जन होगा वो क्या होगा, आर विलेज फोक आर मोस्टली illiterate. Okay, the peoples of India are poor. Same जो है यहाँ पे, जो people है वो क्या है, वो plural है. Okay, plural मतलब बहुवचन है, तो इसके साथ भी क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा. तो the people of India are poor. That is the correct sentence. यह सही sentence है, सही वाक्य है. The road is closed for repair. जो ये repair है, ये कभी भी singular नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? ये sentence क्या है? ये sentence में जो ये है, जो subject है, वो क्या है? Singular है. Singular है तो इसके साथ क्या आएगा? S आएगा. ये कभी भी repair नहीं होगा. तो द रोड इज़ क्लोज फॉर रिपेयर्स, तो इसमें एस की क्या थी, मिस्टेक थी. आर्म्स वर वॉज गिवन टू दी पुअर, ये जो है ये प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी. आर्म्स वर गिवन टू दी पुअर, वर है जो वो क्या है, प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है. Now moving to the set second, रवि gave me many abuses. ठीक है, abuses होता है गाली देना किसी को, nonsensely talk करना. ठीक है, gave होता है देना. रवि gave me much abuse. So इसमें many का use हम नहीं कर सकते. many का use क्यों नहीं कर सकते? many का जो use है वो काउंट, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए किया जाता है. ठीक है, जिन चीज़ों को काउंट नहीं किया जा सकता, अब्यूज़ को कैसे काउंट करोगे, तो उसके लिए क्या होगा, बहुत सारी, तो क्या होगा, मच का यूज़ होगा, मैनी का यूज़ नहीं होगा. आई हैव अ मैनी इन्फॉर्मेशन ऑन दी सब्जेक्ट. सेम यहाँ पर भी हम मैनी का यूज़ नहीं करेंगे. इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मच का यूज़ करेंगे. इन्फॉर्मेशन होता है सूचना. ठीक है, मैनी होता है बहुत, मच भी होता है बहुत, बट इनका जो यूज़ है वो अलग अलग किया जाता है. लाइक हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, हम स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं. हाउ मच, मच का यूज़ हम उसके लिए करते हैं जो अनकाउंटेबल होता है, जिसको गिना नहीं जा सकता. वी हैव हैड आर मील. सो इसमें क्या है कि हमने जो हमारा भोजन है वो कर लिया. We have had our meals होता है, कभी भी meal नहीं होता. इसके साथ जो s है वो compulsory है. Then यह sentence क्या होगा, सही होगा. Now thank you guys for watching my video. Okay.